एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप लोगों का मार्क्स आया है, CU8 का आंसर की आ चुका है, मार्क्स आप लोगों ने देख लिया, बहुत बच्चों का थोड़ा कम आया है जिससे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है उन्हें। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोग ध्यान से देखना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी, और आपका साथ ही साथ CU8 का जो है करेक्शन विंडो ओपन होने वाला, और आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी और ऐड कर सकते हैं CU8 के कोर्स में, या जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर जिन बच्चों का कम मार्क्स आया तो वो तो बैकअप अपना खोज रहे होंगे कि मैं और भी यूनिवर्सिटी ऐड कर दूँ तो अच्छा रहेगा बैकअप के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक यूनिवर्सिटी बता रही हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, BSc बायोटेक्नोलॉजी का मैं मेनली बताऊंगी आज सब्जेक्ट आप लोगों को, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में BSc बायोटेक्नोलॉजी में क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और क्या आपका सीट है इसमें, और एप्लीकेशन जो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो कब आएगा, या आया है या नहीं आया, मतलब पूरी डिटेल आपको दूंगी, फैसिलिटीज भी बताऊंगी BSc बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है, क्योंकि ये काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया को हटा दे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है आप लोगों के लिए, BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, CU8 में जो आपका कोर्स है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी। ओके, पहले हम सबसे पहले जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रॉस्पेक्टस में, पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से देख ले, देन उसके बाद हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, मतलब आप BSc के साथ साथ MSc भी कर सकते हैं, मतलब आपको दोबारा BSc के बाद एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है यूजुअली क्या, ये बैचलर्स आपका 3 साल का, जो कि 4 साल का अब हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, लेकिन अभी हर जगह इंप्लीमेंट तो हुआ नहीं है, तो हम BSc 3 ईयर का लेकर चलते हैं, BSc 3 ईयर का, और जब भी होगा BSc अगर 4 ईयर का भी, तो मास्टर्स आपका 1 ईयर का हो जाएगा न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो मतलब टोटली आपका 5 ईयर्स का BSc MSc होता है, जिसमें आपको बैचलर्स के बाद मास्टर्स से एग्जाम देना होता है, बट अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो बैचलर्स के बाद आपको मास्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम्स होगा मतलब लगातार आपका चलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बेनिफिट मिलती है इंटीग्रेटेड के लिए, तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ पे 5 ईयर का आपको इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी मिलेगा, जो कि CU8 के थ्रू है। ठीक है, यहाँ पे आपका फैकल्टी वगैरह है, जो कि मैं उस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका, देखिए सीट जो है वो आपकी इनटेक किए गए 44+2। ठीक है, तो आपके टोटल 44+2 यानी कि 46 आपके हैं। ठीक है, BSc MSc में यहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेगा, मतलब आपको स्टूडेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम होगा, स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, रिसर्च भी आपका होगा, लैब वर्क भी होगा, और बहुत अच्छे आपके मतलब लैब वर्क और फील्ड टूर यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है। हर यूनिवर्सिटीज में ये सब फैसिलिटीज नहीं होती, लैब वर्क की फैसिलिटीज हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती, जो आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया में, जामिया हमदर्द में है, और आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी है। तो लैब जो होता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, लैब वर्क सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि यहाँ, और फील्ड टूर, तो यहाँ पे ये सब आपको फैसिलिटीज मिलेगी। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपका ये इस साइंस कैंपस में, यहाँ पे लैब वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए लैब वर्क आपका हो रहा है, तो ये कितना अच्छा आपका यहाँ पे फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी के। जैसे कि मैंने बोला, लैब वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे लैब वर्क का पूरा आपका आप अच्छे से यहाँ पे लैब वर्क कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दोनों में लैब वर्क बहुत अच्छा है। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्म डेट क्या है और फॉर्म कब आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसके साइट पे चली जाऊँ, तो यहाँ पे मैं एडमिशन एडमिशन में अभी BTech का है, MBA का आया हुआ है। चलिए, मैं एडमिशन 2022 में चल जाती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे CU8 के बारे में लिखो, CU8 आपका होगा, और
सिर्फ आपको CU8 का अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन CU8 में विजिट इतना, क्योंकि वो उस टाइम का था कि आपको उस टाइम का भी वो ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा होगा कि आपको अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको CU8 का एग्जाम देना जरूरी है। और यहाँ पे आपका जो अभी तक एडमिशन है UG का वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है, वो अभी तक नहीं आया है। और यहाँ पे जो पोर्टल लिखा हुआ UG प्रोग्राम एडमिशन क्लोज, इसका मतलब है कि आपका जो CU8 का एग्जाम क्लोज हो चुका है उसका आपका लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट फॉर्म फिल करने का अभी नहीं आया है और जल्द ही ये आ जाएगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना और आपको बैकअप चाहिए तो आप लोग जरूर इसमें भरिएगा। मैं कट ऑफ बता दूं कि 44, अगर मैं मान के चलूँ 44 सीट है और कट ऑफ कितनी जाएगी, तो जामिया को अगर मैं हटा दूं, जामिया में टॉप रैंकर्स जाएंगे जिनका 190 स्कोर है, 195, 188, 180 ऐसे स्कोर है, तो वो जामिया चूज करेंगे अपना, ठीक है। उससे नीचे वाले जो है 170, 165, 160, 155, 150 तक आपका, 150 भी है अगर या 145 भी है, क्योंकि परसेंटाइल निकलेगा तो आपका थोड़ा और बढ़ेगा मार्क्स, तो अगर आपका 145 तक भी है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को चूज कर लीजिए। लेकिन 145 वाले का लेस चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस आपका है किसका, 160, 165, 170 वाले का, ठीक है। और 145, 150, 155 तक थोड़ा लेस चांसेस है, बट फिर भी आप अपने बैकअप के लिए फिल कर दीजिए फॉर्म, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं जो कि डिसअपॉइंट हो गए अपने मार्क्स से, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो। और अगर आप जिनको भी जानते हो उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिजॉल्व कर दूंगी आप लोगों का प्रॉब्लम्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।